बच्चों की फेवरेट गार्लिक ब्रेड को आज हम बिना बन के कढ़ाई में बनाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए पहले हम पानी तैयार कर लेंगे, जिस पानी से हम ब्रेड का आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर हम एक बाउल में 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने गर्म इस्तेमाल किया है। अब चीनी को पानी में अच्छे तरीके से मिला देंगे। जब चीनी पानी में मिल जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे ईस्ट। तो यहाँ पर हमने 3/4 चम्मच ईस्ट का इस्तेमाल किया है। इसको भी डाल देंगे पानी में और मिला देंगे और इस पानी को एक साइड रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम ब्रेड के लिए आटा लगाएंगे। तो एक बॉल लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 1.5 कप मैदा। तो यहाँ हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं इसलिए हमें मैदे में गार्लिक डालना होगा। तो यहाँ पर आप गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 3-4 चम्मच गार्लिक को काट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गार्लिक काट कर डाला है और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे मैदे में। तो अब हम जो ईस्ट का पानी हमने जिसको रखा था 10 मिनट के लिए, वो भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब उस पानी को हम डाल देंगे मैदे में और इसका आटा लगा लेंगे। गार्लिक ब्रेड के लिए जो हम आटा लगाएंगे वो थोड़ा सॉफ्ट लगाएंगे, नरम लगाएंगे। अगर यहाँ पर आपको पानी की और ज़रूरत लगे तो आप और पानी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आटे को हम 4-5 मिनट तक खूब अच्छे से मथ लेंगे। जब आटे को अच्छे से मथल लेंगे तब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल और इस तेल को भी मैदे में अच्छी तरीके से मिला देंगे। तेल को हमने अच्छे तरीके से मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं आटा कितना चिकना हो गया है और कितना नरम और सॉफ्ट है। ऐसा ही आटा चाहिए हमको ब्रेड बनाने के लिए। तो अब हमने आटा गूंदकर तैयार कर लिया है। हम इसको ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए। ऐसा करने से आटा डबल हो जाएगा और इससे ब्रेड बहुत ही अच्छी बनेगी। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं आटा डबल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा लेंगे और आटे पर छिड़क देंगे और इसमें पंच मारेंगे। ऐसा करने से आटे में ईस्ट की वजह से जो हवा भर गई है वह हवा निकल जाएगी। मैदा डाला है इसलिए थोड़ा सा आटे को एक बार और गूंद लेंगे। अब इस आटे को हम 2 भाग में बांट लेंगे क्योंकि हम इस आटे से 2 ब्रेड बनाएंगे। इस आटे से 2 ब्रेड आसानी से बन जाएंगी। तो इस तरह से हम पेड़ा बना लेंगे और इसको हम बेलेंगे। बेलने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस टिन में हमको ब्रेड को पकाना है तो रोटी भी हम उतनी बड़ी ही बेलेंगे जो इस टिन में फिट हो, इसके बराबर हो। तो हम आटे को सरफेस पे रख देंगे, थोड़े से मैदे की डस्टिंग कर लेंगे और इस आटे की लोई को हम बेल लेंगे। जिस टिन या प्लेट में हम ब्रेड बनाएंगे उस टिन को हम इससे नाप लेंगे कि इसके बराबर है या नहीं। तो अभी थोड़ी छोटी है इसलिए थोड़ा और बेल लेते हैं। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट रोटी और टिन एक बराबर बनी है। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ लगा देंगे। इसके आधे हिस्से में हम मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। तो चीज़ अच्छी तरीके से लगाना है, आधे हिस्से में ही लगाएंगे क्योंकि आधे हिस्से को हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने चीज़ को लगा दिया है। चीज़ लगाने के बाद आप इसके ऊपर गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गार्लिक को काट कर डाल रहे हैं। तो गार्लिक को इस बात का ध्यान रखें बहुत बारीक काटना है, या आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस करके गार्लिक को डाला है। तो
तो अब गार्लिक लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ऑरिगेनो, या आप मिक्स हर्ब भी लगा सकते हैं। ऑरिगेनो डालने के बाद में हम इस पर लगा देंगे चिली फ्लेक्स, और इसके चारों साइड में हम पानी लगाएंगे क्योंकि हमको इस रोटी को सील करना है। तो पानी अच्छी तरीके से लगाएंगे जिससे हमारी ब्रेड हमारी अच्छी तरीके से सील हो जाए। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और हाथ से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। इस बात का ध्यान रहे कि कहीं पर से भी खुला नहीं होनी चाहिए ब्रेड, नहीं तो चीज़ बाहर निकल जाएगी। तो अब ब्रेड को मैंने अच्छी तरीके से सील कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर। तो यहाँ पर हमने बटर को पिघला लिया है, मेल्टेड बटर है। अब इस बटर को हम अच्छी तरीके से ब्रेड पर लगा देंगे। बटर लगाने के बाद में हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी लगाई है। अब इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगैनो, या आप मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अब ये ब्रेड तैयार हो चुकी है बेक होने के लिए। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। अब हम ब्रेड को काट देंगे तो एक एक इंच की दूरी पर काट देंगे, और काटते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही काटेंगे, यानी कि आटे को काटना है, बहुत अंदर तक नहीं काटना है। इस तरह हमने पूरी ब्रेड को काट दिया है। अब ये ब्रेड तैयार है बेक होने के लिए। ब्रेड को बेक करने के लिए हमने एक कढ़ाई में एक कप नमक डालकर कढ़ाई को ढककर 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। टिन की हाइट को कढ़ाई से थोड़ा ऊंचा रखना है। इसके लिए हम एक कटोरी को कढ़ाई के सेंटर में रख देंगे और अपनी टिन रख देंगे जिसमें हम आप ब्रेड को बेक करने के लिए भगोना या कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उस टिन को रख देंगे जिसमें हमने ब्रेड को रखा है और ऊपर से कवर कर देंगे। तो ये 15 मिनट में मीडियम हाई फ्लेम पर ब्रेड बेक हो जाएगी। बीच में इसको एक बार चेक करके देख लेंगे ब्रेड बढ़िया से बेक हुई है या नहीं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, ब्रेड बढ़िया से बेक हो चुकी है। तो अब इस ब्रेड को हम काट लेते हैं। एकदम परफेक्ट बनी है ब्रेड। इसको तोड़कर भी दिखाते हैं हम आपको। हाँ, कितनी मस्त लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया बनी है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।